और यहाँ पे बन रही है चाय। इसको टॉयलेट आ रहा था, इसको टॉयलेट करना था। ईद का चांद नजर आ गया है, ईद वाले दिन ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मेरी जान। ठंड भी नहीं आया माशाल्लाह, और जूता भी नहीं आया अभी तक। वेरी नाइस। ये कीमे के समोसे, ये छत पर रोजा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इसकी बैक है और ये इसकी फ्रंट है। ये इसकी फ्रंट है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज है रमज़ान की लास्ट सहरी हमारी, एंड आज है रमज़ान का आखिरी जुम्मा, यानी कि अलविदा है आज। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पूरी सहरी से लेके इफ्तार तक की रूटीन। आज लास्ट इफ्तारी है एंड लास्ट सहरी है, तो चलो आओ गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अम्मी क्या बना रही हैं सहरी के लिए। दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अभी फ़िलहाल गाइस मैं जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए, तो अम्मी आज करेंगी थी, आज मैंने कुछ अलग चीज़ बनाई है। तो मैंने अभी फ़िलहाल रोटी ले ली है और पापे और बटर ले लिया है, एंड अब मैं जा रहा हूँ घर पर। एंड आप लोग सोच रहे होंगे गाइस इतने रात को यहाँ पे इतना सब कुछ कैसे मिल रहा है, जो लोग देख रहे होंगे। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलती जिनके यहाँ ऐसी चीज़ें, यू नो। सो हमारे यहाँ सब मिलता है गाइस, यहाँ पर बहुत कुछ मिलती हैं रातों को। सुबह के 5 बजे भी गाइस बहुत चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो अगर आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिले तो आप यहाँ आ सकते हो तुर्कमान गेट पर, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। एंड रमज़ान का तो वैसे ही महीने चल रहा है गाइज, एंड आज आखिरी रोज़ा भी है, एंड आज आखिरी सहरी भी है। फिर सहरी है इसलिए और ज़्यादा चीज़ें मिल लेंगे, एंड देख सकते हो आप गाइज कितनी अच्छी रौनक थी यहाँ पर, लड़ाई वगैरह भी हो रही थी यहाँ पर एक्चुअली अभी तो। सो कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ घर, तो आप लोगों को घर पर चल के दिखाता हूँ। तो अम्मी बना रही हैं, क्या बना रही हो अम्मी? रोटी टाइप है ये तो? आई नहीं, रोटी है ये। अच्छा, रोटी बना रही हो। और यहाँ पे बन रही है चाय, एंड यहाँ पे बन रही है रोटी। तो इसके अंदर क्या है? आलू कुकर के अंदर आलू कीमा। सो आज अम्मी ने बनाया है सेरी में आलू कीमा, जो मुझे नहीं पता था, एंड घर पर आकर मुझे पता चला कि अम्मी ने बनाया है आलू कीमा। आलू कीमे के साथ चलेगी रोटी और चाय। पापे लाया हूँ, पापे में मक्खन लगाने बैठ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी, इतना वक्त नहीं है। सो दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर आ गया है मेरा, क्या नाम है इसका, आलू कीमा, ठीक है। तो मैं खाऊंगा यहाँ पे अब ये छोटी सी रोटी। छोटी सी रोटी मेरी है, शाजू की है, किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है भाई। भैया जी चाय भी रेडी है, चाय बिना जिंदगी अधूरी है गाइस। चलो गाइस मैं सहरी कर रहा हूँ, एंड अब मैं कैमरे को फिट कर दूंगा और आप इंजॉय करो मेरी सहरी को, आप मुझे खाते हुए देखो। गाइस पहला नहीं वाला आप लोग खाइए, आ करिए आ आ। चलो मत खाओ, कोई बात नहीं। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए फजर की, सब को उठाए इसको, इसमें नानी का भी सामान है। नहीं, इसमें नानी का भी सामान है ना, कुछ सामान है वो आ जाएगा लेने। तो गाइस खालू को सामान वगैरह देने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं भूरी बटियारी में नमाज़ पढ़ने के लिए। वैसे हमारा प्लान तो बन रहा था हेडक्वार्टर के बराबर में नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन साउथ को जल्दी हो रही थी, इसको टॉयलेट आ रहा था, तो इसको टॉयलेट करना था एक्चुअली, तो यहीं पर ही आ गए हम। हमने सोचा हम क्या करेंगे, फिर अभी जीशान की भी कॉल आई थी, वो कह रहा था भाई मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई आ जा, ठीक है, वो भी आया था। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है नहीं आएगा वो, क्यों? क्योंकि वो एक नंबर का गोलीबाज है, आप सब जानते ही हैं गाइस कि जीशान कैसा है। सो आज अबू बकर का बर्थडे भी है, सो अबू बकर जब ये वीडियो देखेगा तो शायद अगले दिन अपलोड हो ये वीडियो। सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर, छोटे से नन्नी सी जान अबू बकर। छोटी सी नन्नी सी जान तो नहीं है गाइस, लेकिन हमारे लिए वो छोटी सी जान है। आपको छोटे भाई बहुत बहुत मुबारक आपके जन्मदिन की, एंड मिलते हैं कल, मिलेंगे इंशाल्लाह। एंड आज तो लास्ट डे है, सो कल ईद वाले दिन ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मेरी जान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल।
उसके नखरे तो ऐसे भाई मेरी बंदी भी नहीं दिखाती होगी इतना नखरे तो है वजू कर रहा है भाई, घर से वजू करके आया करो, सुन्नत अदा करो। एंड छोटे नन्ने मुन्ने बालक देख सकते हो आप, ये भी सो सो कर उठे हैं बेचारे। पार्टी लट लेके चल रहा था वो। हाँ उससे भिजवा दूँ तेरे को लट से ही, बता। इतनी मोटी लट है वो भाई, बारीक से बारीक चीज़ नोटिस करते हैं वो मेरे ब्लॉग में, बारीक से बारीक, तू सोच नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। वैसे मस्जिद में इतनी सारी बातें करनी नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं अब अंदर वुजू खाने में बैठे हुए थे। तो जीशान का फोन आया था, क्या कर रहा था तू? जीशान क्या कर रहा था? तो बकरा पार्टी कर रहा था। मैंने कहा पार्टी के बोले उसको तो ना करनी होगा, यार बड़ा ही पत्ता नहीं गया जीशान से, वो पार्टी की लग रही है। अरे देख ले, देख तेरी सपोर्ट लेते जब भी तू हमारा नहीं है तो हमारा सफर नहीं है भाई। मैं तो मना ही कर रहा था, जाओ मैं इससे मत लो। यार इतना जाम हो रहा है यहाँ पे, मना कर रहा था यहाँ से मतले दुनिया कर जाएगी मेरे को। तो साउथ अभी कह रहा है भाई, यार तेरी बियर्ड अच्छी लग रही है। मैंने कहा यार बियर्ड मेरी आती अच्छी है, अब मैं क्या करूँ, अब तेरी तरह नहीं आती चिंदड़ी कहीं से। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका हाथ लगता है। गाय जी अभी तक कपड़े नहीं लाया और यहाँ पे मेरे को दुकान के सामने कह रहा है कि कौन सी पसंद करूँ पता। चार देखो भाई, अब दूसरी दुकान पे इन्होंने रोका है, कह रहा है यार कपड़े पसंद कर ले मेरे लिए। भाई देखो जीन्स अच्छी लग रही है, ये वाली जीन्स कह रहा है, ये कौन सी है ये? अबे लेगा भाई, बूट कट चाहिए तेरे को? भाई मैं कह रहा हूँ कार्गो पहन ले, सौड़िया कौन भी लेना बंदी के लिए। भाई थैली दे दो यार, अबे वो 60 रुपए बोल रहे हैं, 30 रुपए बोल रहे हैं, आप बता रहे हो हमने आप बता रहे उसको चेंज। देखो गाइस सऊदी ने अपनी जीन्स निकाली है, बिल्कुल छपरियों वाली छपरी बनेगा सऊद। कैसी लग रही है भाई? ये भी ये अच्छी लग रही है। बैग सर? बैग भी बढ़िया है, सब दिखा दूँ सब, मैं आराम से बैठ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। भाई यार ये मेली हुई है लेकिन जल्दी अच्छी लग रही है। कहाँ लेके आनी है? डेट पे बता ना। हाँ सही है, और ये शर्ट ये शर्ट बा पूरा वाइट सूट बना लेना इससे बढ़िया। छपरी में वो वाइट जूता पेंट किस करा, और छपरियों वाले बाल भी तो कटवाया तूने बेटा, ये मत भूल, तू भी बैठा हुआ था मेरा वारा में। अभी यार बता दे कि बहुत कंफ्यूज हो रही हूं मैं कपड़ों को लेके। ये तेरा अभी काम है, नया काम है तेरा, इससे कंफ्यूज हो रहा है। गाइस कहीं पर भी लेके आएगा, वॉश लेने आएगा वहां पे कंफ्यूज होगा, चश्मा लेगा वहां पे कंफ्यूज होगा, कैप लेगा वहां पे कंफ्यूज होगा। मुझे कपड़े लेने नहीं आते, उसको कपड़े बिल्कुल भी लेने नहीं आते, दौड़ दिमाग है पुअर। दूसरी ईद है जो मैं खुद से कपड़ा ले लूं, मैंने बचपन से मेरी बहन है मेरी मम्मी कपड़े लेती है, तो मुझे कपड़े लेने की तमीन नहीं है, इसलिए मैं छपरी वाली नहीं लग रही, ये मेली हो जाएगी जल्दी, देख तेरा मन है तो ले ले इसको, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक वाली भी अच्छी लग रही है, ब्लैक वाली देख ले, देख कितनी बढ़िया लग रही है ये, दिखा। देखो इसकी बैक है और ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी फ्रंट है, मुझे तो यही सही लग रही है। इस पे आज ये शर्ट डल लगा, पहन के दिखा दूं कपड़ा पूरा। हां सही कह दिया।
यार बता दे, पजीता कर दिया। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये ले सऊ बाइक लेने चल रहा है किसकी बाइक? ये वाली ले ले और एक में हाँ तो बस दोनों ले ले और ये एक शर्ट, एक ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट नहीं शर्ट हाँ शर्ट टी-शर्ट होता, एक शर्ट हो गई टी शर्ट, टी शर्ट वाली ले ले नगो वाली चल बे छपरी वाली, हाँ छपरी वाली। मैं सबसे बढ़िया कह रहा हूँ भाई जान, मैं गाइज मैं इससे कह रहा हूँ कार्गो पहन ले, मैं भी कार्गो लेकर आया हूँ तो तू भी कार्गो मेरे पे अच्छी लगती नहीं है इसलिए मैं कार्गो पहनता नहीं, मेरे पे बूट कट जींस वगैरह अच्छी लगती है इसलिए मैं वो पहनता हूँ। छपरी वाली अच्छी लगती है, ये बिल्कुल छपरी है, इसके बाद तुम आया ना करा करो। आप इनने मेरे बाल कैसे कटवाए, फोरआर्म देखो, फोरआर्म घंटा फोरआर्म दिख रहा है, तुम मैं अपना दिखाऊं फोरआर्म? अबे जा चल जा, शक्ल ना दिखाया यू अपनी, ये देखो शक्ल मेरा फोरआर्म देख, ये देख गाइस देखो, बताओ किसका फोरआर्म बढ़िया गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना किस, अबे रुक तो जा भी, अबे जा चल जा फेट के ले दे, ये देखो अब देखो जाएगी गाइस कैसी जेब में बिठा रही है यार, फोरआर्म दिखा रही है, हमारा आएगा जिम जाने वाला बच्चा है अभी और हमें दिखा रही है फोरआर्म्स, इसे समझाओ गाइस। भाई मैं तो से करूं यार ज्यादा टाइम घोड़ी मत कर, जो समझ आ रहा है वो डाल ले भाई, वैसे भी तो मैं जाना का थोड़ी के कहीं, हां जाना है जाना ही नहीं हमारे जो उसके लिए की वो मेरी जान। तो बता दिए अब भाई की हमारी ये पब्लिक बता देगी, झुमके खरीदेगा? झुमके नहीं खरीदना भाई, बता किसी के लिए चाहिए हो तो, बच्चों के लिए। अबे छपो के नाम ले दे तू, देखो गाइस शैम्पू लेकर आया हूँ मैं, मेरे गाइस देखो ये भी हर चीज में मेरी कॉपी करेगा, देखो मैं भी आज 10 शैम्पू लेकर आया था हेड एंड शोल्डर के, अब हेड एंड शोल्डर के लेकर आया भाई, मैं तो गाड़ी दूंगा इससे। चेन लटकी है ना, मैंने इनमें से एक चेन गायब कर ली, कौन सी वाली गायब करी है बड़ी बताइए, वो एक ही पीस तो तू ले, अब यार बता। हाँ 50 तोला भाई, कपड़े निकाल यार अपने लिए फटाफट, फिर तो परेशान करेगा मुझे, कल मार्केट जाएगा तो मुझे तो ये वाइट अच्छी लग रही है, ब्लैक भी अच्छी लग रही है, या तो एक ऐसी ले ले थोड़ी फंकी टाइप में, या फिर ऐसे ले ले थोड़ी सिंपल में, देख ले अम्मी को एक भी अच्छी लगेगी तो अम्मी को दिखा देना, फोटो भेज दो अम्मी को, टी शर्ट मैं तो कार को पहनूंगा, नहीं मैं बासी पे नानी के जाऊंगा, तू का भाई ईद के बाद हमारा आने का प्लान बन रहा है मसूरी, क्या पता हम मसूरी जाएं, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ओके यार टाइम हो रहा, गाड़ी भी धोनी है, ये मेरे को बताने रहेगा इस, ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है मेरा भी, जल्दी से निकल ले कपड़े, पट्टी निकालना कपड़े, मैं चैटिंग बाद में कर लियो मेरी जान, बाद में कर लियो चैटिंग। तो सुबह जोहर में रेडी रही हो भाई, वॉश लेने आनी है, ठीक है ना, वॉश लेने आनी है, बटन लेकर आने, मुझे बोलते हैं बटन भी नहीं आया माशाल्लाह, और जूता भी नहीं आया अभी तक, वेरी नाइस, जूता भी नहीं आया नहीं है तब से, मैं भाई भाई शूज से इसे खरीद लो, सामने 8 बजे रेडी रही हो, ठीक है ना, नीचे करके नीचे पढ़ लियो नमाज, ठीक है ठीक है। सो इसको तो रगड़ दिया है गाइस बढ़िया करके, एंड अब बारी है इसकी स्प्लेंडर की। तो अभी मैं नमाज पढ़ कर आ गया हूँ, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, और अब मैं जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए बाहर, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस मैं सामान वगैरह लेकर आ गया हूँ, और यहाँ पर अम्मी बना रही हैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हैं, इफ्तार की बिल्कुल तैयारी कर रही हैं अच्छी तरीके से, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अम्मी क्या बना रही हैं। तो आज अम्मी बना रही हैं कीमे के समोसे, ये रहे, और ये रहे हमारे शाजू के लिए फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी नहीं है बस थोड़े से, तो यहाँ पर अभी कट रही है हमारी इफ्तारी, और यहाँ आधी कट गई है, और भाई शाहजब काट रहे हैं अभी। गाइज अगर आपको अच्छी टेस्टी वाली मच्छी चाहिए, मच्छी खानी है, तो आपको इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मसाज करने पड़ेगी, ये देख सकते हो आप गाइज किस तरीके से इसकी मसाज हो रही है काफ़ी अच्छी तरीके से, और अब ये दलेगी किसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, चलो जी। हाँ हाँ
बाल दिखाइए अपने बाल कैसे बढ़ाए तुमने। देखो गाइस के बाल देखो ये। तो गाइस आज हम खोलेंगे छत पर रोजा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारी बिल्कुल इफ्तारी बिल्कुल रेडी है, सब रेडी है, बस ऊपर जाने की देर है और रोजा खोलने की देर है। तो चलो मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ। सफाई वगैरह करके रख रखी थी भाई साहब, और वो रहे हमारे सूरज मामा। भाई शाहजब अच्छे से वाइपर लगाओ बिल्कुल ढंग से, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम आ गए हैं सब छत पर, बस यहाँ पर हमारी इफ्तारी रेडी है। आयान को कुछ ज्यादा रोजा लग रहा है बेचारे को, देखो गाइस कितने ज्यादा बेचारा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है, रोजा लग रहा है आयान। और ये नन्नी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची तो गाइज ईद का चांद नजर आ गया है, आप सभी को मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक। एंड अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे कहीं तो दिखने रहे हैं चंदा मामा, सो देखते हैं अगर दिखते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है अभी दिखना चांद। दिखाता हूँ मैं, अगर दिख जाता है तो ठीक है, आप देख सकते हो लोगों की खुशियाँ। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद मुबारक। एंड ईद का चांद दिख गया है, लेकिन गाइज ईद का चांद दिख तो गया है लेकिन रमज़ान जाने का बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। बचपन में गाइज ईद आने की बहुत खुशी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अब जैसे ही बड़े हुए हैं तो गाइज यहाँ पर ईद की खुशी नहीं हो रही, रमज़ान जाने का गम हो रहा है। एंड आपको किस किस को गम हो रहा है रमज़ान जाने का, किस किस को दुख हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप लोगों को कैसे लगा हमारा ब्लॉग ये वाला, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप लोगों को कैसी लगी हमारी पूरी रमज़ान की सीरीज़, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिया मुझे। एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल मिलते हैं। कल आपको ईद का भी ब्लॉग दिखाऊँगा, सब चीज़ दिखाऊँगा आप लोगों को, बस आप ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए, ऐसे ही अपने इस छोटे से नन्हे से प्यारे से भाई को सपोर्ट करते रहिए। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, कीप सपोर्टिंग।